मीटअप जो हमने प्लान किया वो शेर पंजाब पे प्लान किया है कि हमारा जो मीटअप होगा वो शेर पंजाब पे होगा, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। उसके डायरेक्शंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आ सकते हैं। टाइमिंग 5 से 5:30 के बीच में रखेंगे। बाकी चीजें आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, आईडी नीचे आ जाओगी, मुझे फॉलो कर सकते हैं। 23 तारीख को मेरी क्लासेस हैं पहले कॉलेज में, तो कॉलेज से क्लासेस करने के बाद मैं मीटअप पे आऊंगा। भाई मेरा तो ये बिल्ली ने जो है जीन आराम कर दिया है, ये देखो अब ये फिर से इस पर चढ़ी है, घूमी है और पूरे पैर के निशान छाप रखे हैं इस पर। और ये मेरे हाथ से जाएगी, इधर ही कहीं भटक रही होगी, देख रही होगी अबे तू क्यों आ रखा है। बाइक मैं इसके नीचे खड़ी करता हूँ क्योंकि ऊपर से एक प्रॉब्लम है, ऊपर चमगादड़ लटके रहते हैं सारे और चमगादड़ सारे पे पॉटी कर देते हैं। अभी तो आजकल ये पीपल का पेड़ ज़्यादा दिक्कत दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके नीचे खड़ी करनी पड़ती है, वहाँ पर बिल्ली घुस जाती है। अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ ही समझ में नहीं आता। खैर फिलहाल की सिचुएशन तो कहते हैं कि आम आदमी को जाना चाहिए करौल बाग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ करौल बाग, वहाँ पर दिलप्रीत पाजी की जो BMW S1000 RR M Pro है। अब M आ गया या Pro आ गया ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन M Pro है ऐसा कुछ है, तो वो जयपुर से लेके आए थे। उस बाइक की पूरी स्टोरी मैं आपको मासूम की दुकान पे पहुंच के बताऊंगा और उसमें कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, वो भी आपको वहीं पहुंच के बताएंगे कि क्या हो रहा है। एक बस वाला यहाँ खड़ा कर देगा, एक बस वाला ऐसे घुमा देगा, बस आप इन्हीं में खेलते रहो। कैसे लौंडिया बना घूम रहा है, है? अरे तेरे को सीट खोलनी नहीं आती इसकी। तो अभी इसका एरो का फुल सिस्टम मंगाया है BMW ने, अभी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। इसके बाद कावासाकी छतरपुर जाना है, वहाँ पर एक फ्रेंड है, उनकी डिलीवरी है बाइक की, निंजा 1000 की। आपको बाइक के ओनर से हम मिलवाते हैं। दरअसल प्लान ये था कि बाइक की डिलीवरी लेने जयपुर मुझे भी जाना था, लेकिन कल जी एस पाजी का इवेंट था, उस कारण से मैं जयपुर नहीं जा पाया। और ये हमारे दिलप्रीत पाजी, जिनके बारे में आपको न्यू राइट हुई पाजी से आपको मिलवाया था, उस समय इनके पास हायाबुसा थी, अभी ये BMW की S1000 RR M Pro Sport लेके आया। मुझे पूरा नाम अभी भी ढंग से पता नहीं था। तो पाजी हाँ जी, कितने की पड़ी कुछ बताओ। ये सब भाई नहीं बताते। थोड़ा आगे करो, अरे 10R नहीं हटेगी। तो आज हमारे पास स्पेशल DC अवंती भी है शूट के लिए, आज जो प्रॉपर जो मेन शूट होगा वो इसका होने वाला है। ऐसे ही चला रहा है पूरी लेट कर। हाँ जमीन में टच होके चलाने लायक है यार ये तो फिलहाल कल मैडम जी का बर्थडे था और कल था मतलब आज 20 है, कल जब अभी वीडियो देख रहे होगे तब 22 तारीख होगी, तो 19 तारीख को मैडम जी का बर्थडे था। और बर्थडे को हम लोग दिन भर में सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि मैं दिन भर जीएस पाजी के इवेंट में बिजी था और अब मैं घर पर आराम कर रही थी। हाँ तो रात को जाकर इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, थोड़ा सा नाराज है। तो ये अवंती जो है वो भैया की है और भैया इससे सेल पे डाल रहे हैं। हाँ लाइट पूरी होगी। तो भैया इस बाइक कह रहा हूँ मैं, बाइक कहते कहते ना मेरा दिमाग बाइकों में हो गया है। आज सुपर बाइक की वीडियो, आज सुपर कार की वीडियो बना रहे हैं, फिर भी सुपर बाइक मुझसे निकल रहा है। तो ये अवंती जो है वो मोहित भैया की है, और भैया थोड़ा सा अवंती के बारे में बताओ, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। फीचर्स बाइक जैसे कि आपने देखी है, बस बाहर से आउटलुक अच्छी है, बाइक चलाने में कम्फर्टेबल है, आप बैठे हुए हो। बाइक नहीं कार, सॉरी यार ये भी बाइक भाई बाइक के लिए सब पागल हो रखे हैं। जैसे कि ये कार आपने देखी है कि बाहर से आउटलुक बिल्कुल लैम्बो की कॉपी कर रखी है और डीसी अवंती आपको पता है कि सबको पता है की मेकिंग है अपनी, चलाने में कंफर्टेबल है,
कभी हम रात को बस एक नॉर्मल ड्राइव के लिए निकाल लेते हैं, ज्यादा कोई हमने भी नहीं चलाई कि हाईवे पे। ओके, ये कार जो है ये टॉप मॉडल है। ओके, वैसे जो लाइट्स और ये लेदर इंटीरियर आप देख रहे हैं ये डीसी अवंती के बेस मॉडल में नहीं आता। ओके, जो इसकी क्रिस्टल लाइट्स है ये टॉप मॉडल में आती है। ओके, आप फ्रंट देखेंगे दूसरी गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो उसमें ब्लैक कलर की लाइट्स होंगी। ओके, तीन लेंस होंगे। ओके, ये क्रिस्टल लाइट्स है ये टॉप मॉडल में आती है डीसी अवंती। हम सेल करने का सोच रहे हैं। सेल का सोच रहे आप इसे? जी। तो क्या डिमांड रख रहे हो और कहाँ पर कॉन्टेक्ट करा जाए इसको अगर किसी को चाहिए तो? आप फुल थ्रॉटल जो सुपर बाइक्स का आउटलेट है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करिए, वहीं पे खड़ी हुई है। ओके, सेल के लिए फाइंडिंग 18 लाख रुपए है। ओके, 2016 मॉडल है, दिल्ली नंबर है। ये देखो रिएक्शंस क्या गजब आ रहे हैं बाहर से। अभी हम लोग करोल बाग में मासूम की शॉप के आ गए हैं और यहाँ पर धड़ाधड़ रिएक्शन पे रिएक्शन रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे हैं। जब चल रही थी मतलब आ रही थी तो अभी भयंकर रिएक्शन आ रहे थे। बस ये कार है तो सुपर कार है, बस अब हो गया। इसका थोड़ा सा शूट करना था, कर लिया और अब वापस आते हैं अपनी BMW पर। तो सारा शूट हो गया, सब हो गया। अब जा करके इनका ये बॉक्स खुलेगा क्योंकि अब पूरी रात हो चुकी है, मुझे कहीं और जाना था, वो सारा कैंसिल कर दिया है। हाँ, क्या कह रहा है तू भाई? ओपन करते हैं, कीड़े पड़ेंगे तेरे, कीड़े देख ले तू। तू मेरे से कह रहा था? अरे तो भाई खोल लिया। आ जा भाई, अब करेंगे एरो की अनबॉक्सिंग। कर सकते ना भैया? फोन तो कर लेते। तो सुनैना की चाबी से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि एरो के फुल सिस्टम में क्या क्या निकलता है। ये देखो थैली, खाली हवा भर के थैली दे रहे हैं लेस की तरह। लेस काट देना है। एक दो तीन, फूकनी थी है, चार, ले भाई फूकनी। और तू अपने ढाबे पे रोटी बनवा था ना तो फूकनी दे ले। टाइटेनियम की फूकनी। हाँ, ये तेरे तंदूर के लिए। हमें तोड़ दिया, फाड़ दिया। जिसका चैनल है उसी ने अनबॉक्सिंग नहीं करी होता। तुम्हारा रख लो। नहीं नहीं, रखो रखो, वापस पैक करो। लेकिन मैं ऑन द कैमरा बता रहा हूँ आपको कि ये जो अनबॉक्सिंग है ये दोबारा झूठी अनबॉक्सिंग दिखाई जा रही है। अनबॉक्सिंग की खुशी में ये पटाखे पड़े जा रहे हैं। एक कर दिया ना था लेकिन वो बच्चों वाले काम तो ये ले मेरे फोन। हां जी, तो आ चुका है हमारा एरो का एग्जॉस्ट, एक और ब्लॉगर। अपने डब्बा, अरे डब्बा पहले खुल चुका है, कोई बात नहीं, खोल लो। ठीक है, बताओ जी मासूम जी क्या क्या इसके अंदर, कैसे कैसे? टाइटेनियम के भोपू है इसमें, टाइटेनियम के भोपू ये हमने इसको दे दिए हैं। इसके ये घर में तो वो चूल्हा जलाता है। ये कम्प्लीट हेडर है अभी आपका, ये कम्प्लीट हेडर है, ये कम्प्लीट हेडर है। ठीक है जी, ये उसकी कम्प्लीट हेडर है। एग्जॉस्ट तो निकाल लो यार। और ये है एग्जॉस्ट, ये लो इसमें भी है, इसमें भी फोटो से। हाँ बेटा, वही वही रिकॉर्डिंग निकाल रहा है ना। अनबॉक्सिंग तो अब इसकी करेंगे, अनबॉक्सिंग तो हो गई, अब अनरैपिंग करेंगे। एरो के एग्जॉस्ट को बाहर निकालेंगे। टाइटेनियम एरो, टाइटेनियम विद डीवी किलर है क्या बात, विद डीवी किलर, विद डीवी किलर। अरे वाह, तो ये एग्जॉस्ट का ओरिजिनल टाइटेनियम, आप भी देखिए, आप भी देखिए। और ये विट, सॉरी भाई लगी तो नहीं, ये है विट डीबी किलर। भाई डीबी किलर से क्या होगा, इसको तो निकालो ना, आवाज कम कर सकते हम, क्या फायदा, फिर तो स्टॉक ही लगे रहने देते, तो बाद में कम कर देंगे यार, क्या बात है। देखो टाइटेनियम की पहचान, ये देखो अंदर ब्लू नजर आ रहा है, और ये देखो इसके जॉइंट सारे, ये सारे ब्लू है, रेनबो इफेक्ट। मासूम इनमें लाया हो सबने, इफेक्ट फेल हो गए मासूम की दुकान पे। फटाफट से ये देखो ओरिजिनल टाइटेनियम, ब्लू ही ब्लू। हाँ ये है ओरिजिनल, ब्लू ही ब्लू। ये इसका वेट बताया था कि ये ओरिजिनल टाइटेनियम है, बिल्कुल लाइट वेट है। और इसका ब्लू तो खैर आजकल सब, इसका एरो से कोई लेन देन नहीं है, टोटल मासूम मेड, ये मासूम है। तो फटाफट से इसकी इंस्टॉलिंग करते हैं और फिर सुनाते हैं आपको BMW S1000 RR M Pro Sport की आवाज। नकली एग्जॉस्ट लगवाने के लिए आ रही है, जबरदस्ती का मैंने आरआर लगवा दिया इसकी गाड़ी में। आज पूछो बंदे की जिंदगी क्या गुजर रही है, जो 1.5 लाख रुपए खर्च करवा दिया, 1.5 लाख का एग्जॉस्ट पड़ा है और बंदा लगाने आया था कितने का, 20,000 का, 20,000। तो ये बाइक वैसे ही इतनी लाइट है और ये 10-12 किलो का ये जो है ये डब्बा और इसमें से हट जाएगा, इसके बाद तो ये बाइक जो है वो तूफान बन जाएगी, तूफान। हाँ जी
पाजी थोड़ा सा बाइक के बारे में बताओ जो आपने भी ली है, इसके बारे में जो मतलब स्पेशल चीजें सारी की सारी। 25 25 25 आ जाओ चलो बाइक के बाद। डिस्प्ले दिखाओ बाइक का। अरे वाह, ओ तेरी, ये लिखा हुआ है 125 लाख पे। ये बाइक का मेन्यू है, ये जॉयस्टिक है, देखो जॉयस्टिक देखो बाइक की। ओके, ये बाइक की जॉयस्टिक है, गाने भी चलते हैं। ठीक है, सारे कंट्रोल करती है, ये सारे कंट्रोल करती है जी। सेटिंग बहुत सारी, मैं आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा एक बारी। एंड ये है इसमें क्रूज कंट्रोल यहाँ पर। ओके ठीक है जी। और यहाँ पर इसके हीटेड ग्रिप्स, अगर बाइक राइड कर रहे हो ठंड है तो ये अपने बाइक के हैंडल जो है गर्म कर देती है ताकि आप बाइक चला सके। यहाँ जाना पड़ेगा ना, मोड चेंज होते हैं, हमने मोड देखेंगे तो ये रेस मोड है। ओके, ये रेस प्रो 1 है, रेस प्रो 2 है, अलग अलग रेस के मोड्स हैं, फिर रेन है, वो लहर के मोड चेंज करना पड़ेगा मुझे उसके लिए। ओके, उसके अलावा जो मेन फीचर्स हैं स्टैंडर्ड और एम प्रो स्पोर्ट में जो डिफरेंस है वो है इसका सस्पेंशन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन। आप देख रहे हो यहाँ दो वायर्स जा रही हैं, बंद कर दो। मेन फीचर ये है, वो 19 लाख रुपए की है, 26 लाख रुपए की। इसमें ये जो देख रहे हैं वायर आप, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, हर एक मिली सेकेंड्स के अंदर बाइक की जिस हिसाब से चल रही है उसका शॉकर सॉफ्ट करता है या हार्ड करना है या कितना उसको पावर देनी है कितनी देनी है, वो सबको मैनेज करता है। ओके, बाइक राइड बहुत इजी हो गई। आप एम पे ज़ूम करो, एम पे सीट पे ज़ूम करो। हाँ, दैट्स अ पेन। ये एम मॉडल, ये इसके 25 लाख रुपए हैं। ये कार्बन फाइबर अलॉयज है। ओके, ये फर्स्ट टाइम किसी बाइक के अंदर आए हैं। ओके, इस बाइक में नहीं। थर्ड जो है इसका जो टायर इसमें दे रखा है मेटलाइजर का, ये रेस ट्रैक टायर है, ये स्टैंडर्ड मॉडल में ये टायर नहीं आता, दूसरा टायर आता है। ओके, इसमें रेयर सीट आती है। हाँ, जो स्टैंडर्ड मॉडलों के अंदर रेयर सीट नहीं है, आपके पिछले फुट पैक्स नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो और बाकी तो जो मोड्स मैंने दिखा दिए आपको, एक्चुअली जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके अंदर सिर्फ 4 मोड हैं, रेस है, रेन है, डायनामिक है एंड रोड है। इसके अंदर वो 4 मोड्स हैं, प्लस उसके अलावा रेस प्रो 1 है, रेस प्रो 2, रेस प्रो 3, जिनको अपने आप चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको व्हीली कंट्रोल आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, डैम्पर कंट्रोल आ जाता है। So it give you more control over the bike on track as on road also. So यही जो difference है, उनके 6 लाख फालतू खर्चे हैं, हमने कुछ नहीं। सबसे बड़ा कंट्रोल जेब का है, आपको जेब पे कितना कंट्रोल रखना है, 6 लाख बचाना है या नहीं बचाना, और उसके ऊपर से एग्जॉस्ट। हाँ, लोडिंग तो तेल होगा बाइक के अंदर। क्या लोडिंग से? हाँ, लोडिंग बताओ। बाइक के अंदर मैंने लगवाए हैं RMG के फ्रेम स्लाइडर्स हैं। ओके, RMG के मेरे इसके बार स्लाइडर्स हैं। ओके जी, RNG की इसकी ग्रिल है, रेडिएटर ग्रिल है, अभी फिटिंग हो रही है उसकी, और नीचे की जो इसमें दो ग्रिल लगती है, कूलेंट ग्रिल अलग है, इंटरकूलर ग्रिल अलग है, और वो ग्रिल अलग है। इसके अलावा मैंने इसमें RNG के सेकंड स्किन है, मैंने अभी लगवाई नहीं है, वो मैंने अभी यूके से मंगवाई हुई है, अभी घर पड़ी हुई है। वो है, वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है, सच अभी है भी लॉन्च होने की, काफ़ी कॉस्टली है वो। सो वो UV प्रोटेक्टेड है, उससे आपकी बाइक का जो कलर है वो येलो नहीं पड़ता, नई जैसी रहती है, और वो स्किन जो है वो भी वो नहीं पड़ती, येलो नहीं पड़ती है। तो इट आपकी बाइक को बचा के रखता है डस्ट एंड ऑल से। उसके अलावा मैं इसमें आप देख ही रहे होंगे, एरो का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम लग रहा है, टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। तो टोटल मिला के खर्चा हो गया हमारा समवेयर 30 लाख के आसपास। पैसा बहुत है, बहुत पैसा। तो BMW S1000 RR M Pro Sport पर अपकमिंग व्लॉग्स के लिए पाजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाइल्ड विंग राइडर्स करके जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा बाइकिंग सुपर बाइक ग्रुप है, उस पर वीडियोज़ जो उसकी वीडियोज़ हैं राइड की सारी पाजी बनाते हैं। मैं संडे राइड जो है बहुत ज़्यादा कम कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम सैटरडे संडे टूर पे रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं राइड करता हूँ तो हमारी राइड की वीडियो आती है, लेकिन पाजी हर संडे की वीडियो डालते हैं, और वैसे भी जो राइड चलती रहती है वो भी पाजी वीडियो डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पाजी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। विंग राइडर्स है मेरा हैंडल, और इंस्टाग्राम पर भी है। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर भी सारी फोटोज मिलेंगी आपको। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, उस पर अपना ग्रुप है। एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े स्टोर हैं बाहर मार्केट में और इतना बढ़िया काम करते हैं, आपने वहाँ से काम क्यों नहीं कराया? एक्चुअली मैंने कई स्टोर से बात भी करी, टू बी वेरी फ्रैंक, तो लेकिन मुझे शुरू से विश्वास मासूम पे बहुत है, मैंने बहुत बार काम कराया उनसे, और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है काम के अंदर,
बेशक वो रोड पे खड़ा हुआ काम करता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है कि उसके प्राइस बहुत कम्पिटेटिव है मार्केट में, उससे अच्छा प्राइस कोई नहीं दे सकता। और दूसरी चीज क्या है कि अगर वो कभी यही सोचता कि मैं अगर 26 लाख रुपए की बाइक लेकर आया हूँ तो मैं 26 लाख वाला प्राइस लूंगा इससे, या अगर ये 3 लाख की बाइक लेगा तो 3 लाख वाला प्राइस लेगा उससे। उसका एक रेट होता है जो सबके लिए होता है, दैट इज द बेस्ट थिंग। वो आपकी वो अगर कोई भी आया अगर कोई भी अलग मतलब कोई भी कुछ रेट भी पूछता है, मैं भी उससे वो चीज के रेट पूछता हूँ ना, तो सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं, ये डिफरेंस तो मतलब जनरली स्टोर्स में क्या होता है कि वो आपकी बाइक देख के रेट बदल देंगे। अगर मैं भूसा बजाऊंगा अलग रेट होगा, मैं निंजा 1000 बजाऊंगा तो अलग रेट होगा, BMW का रेट अलग ही हो जाता है। मैंने मेरे को काफी टाइम होगा राइड करते, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगहों से काम करवाया, दैट इज द मेन रीजन कि मैंने मासूम को चुना, क्योंकि वो उसके बेस्ट प्राइस होते हैं और उसका काम बहुत अच्छा। इस समय करोलबाग में भी सबसे बेस्ट काम किंग है, करोलबाग का किंग है मासूम, मोटो किंग, मोटो नाम ऐसे नहीं रखा उसने, ये देख रहे हो ये सारा सामान जो है मासूम ने अपनी शॉप पे रखा हुआ है, सारी सुपर बाइक्स का और भी बाइक्स का सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। तो करोल बाग में मोटो किंग पे आ सकते हो, 34 नंबर गली MK बिल्डिंग के नीचे, नाई वाला। तो एक डाउन लेकर के आते हैं इसका। कैसा लगा चला के? बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा। मैं 10R को जैसे अच्छा एकदम से उसको खींचने का कर रहा हूँ तो आगे से एकदम से यूं बम्प मार रही है एकदम से भाई साहब, मार रहा ना, झटका दिखा रही है भाई साहब, बहुत ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ, ये तो तहलका मचा देगी रोड पे। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं CP में वापस घूम करके, हम लोग सोचा था रिएक्शंस कैप्चर करेंगे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि इंडिया गेट अभी क्या है पूरा का पूरा बंद है 26 जनवरी कारण से, और वहाँ पर मैंने कैमरा बिल्कुल ही नहीं निकाला क्योंकि हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो हम सबकी सिक्योरिटी है, केवल एरिया की सिक्योरिटी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड करता हूँ, इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, आकर के यहाँ से निकलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज रश कुमार, दिलप्रीता जी, मोहित भाई, गौरव भाई, मासूम भाई, बाय बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मीटअप जो हमने प्लान किया वो शेरे पंजाब पे प्लान किया है, कि हमारा जो मीटअप होगा वो शेरे पंजाब पे होगा, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, उसके डायरेक्शंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आ सकते हैं। टाइमिंग 5 से 5:30 के बीच में रखेंगे, बाकी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, ID नीचे आ रही होगी, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि 23 तारीख को मेरी क्लासेस हैं पहले कॉलेज में, तो कॉलेज से क्लासेस करने के बाद मैं मीटअप पे आऊँगा, सारे भाई लोग और मैं आपको 5 से 5:30 के बीच में कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया शेरे पंजाब ढाबे पर मिलेंगे। तो इस वीडियो का एंड करते हैं, बाबा खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बाय। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, कुछ फोटो शूट कर रहे थे, और यहाँ पूरी भीड़ लग चुकी है, देखो